नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आज फिर आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं पेटीएम ऐप के बारे में। दोस्तों आप सोचेंगे कि पेटीएम के बारे में हम लोग जो है काफी सारी बातें जो कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कैशलेस जिंदगी। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से जो हमारी जिंदगी है वो कैशलेस हो चुकी है, तो उसके तहत जो है हम लोग रिचार्ज भी अपने पेटीएम से करना चाहते हैं, बैलेंस भी लोगों को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो है बैंक्स में भी हम लोग ट्रांसफर अपना बैलेंस कर पा रहे हैं और रिचार्ज और मतलब अपने बिल पे कर सकते हैं, हमारी मूवीज टिकट जो भी है हम खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सब चीज बताने के लिए हम लोग जो है कैसे करें .com में आपको बता रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि आप जो है अपने मोबाइल के जो पेटीएम ऐप है उससे जो है वो रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखिए कैसे करें। तो दोस्तों कैसे करें में हम लोग जो है पेटीएम के बारे में बात कर रहे हैं। पेटीएम में जो है आज हम बताएंगे आपको रिचार्ज जो है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आप पेटीएम का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो हमारे आई बटन में जो है हमने लिंक दे दिया, उसको क्लिक करके आप जो है वो जान सकते हैं पेटीएम पे अकाउंट जो है वो ऐप पे कैसे बनाए। और अगर आप वेब पे बनाना चाहते हैं तो वेब पे भी हम बता चुके हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको जानना चाहते हैं कि आप पैसा जो है वो पेटीएम ऐप में ऐड कैसे करें, तो उसके बारे में भी जो है हमने जानकारी दी है। हमारी जानकारी जो है हमारे चैनल में कैसे करें .com पे क्लिक करके या सब्सक्राइब करके जो है वो जानकारी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं कि पेटीएम ऐप से जो है आप रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना है कि पेटीएम ऐप जो है उसको ओपन कर लेना है, जैसा कि बिल्कुल स्क्रीन में आपको दिखाया जा रहा है पेटीएम ऐप जो है वो ओपन हो गया दोस्तों। उसके साथ ही देखिए आपको जो है काफी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहली जो नीली पट्टी है दोस्तों उसमें पे, ऐड मनी, पासबुक और एक्सेप्ट पेमेंट्स जैसे ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है मोबाइल प्रीपेड नाम से एक ऑप्शन और एक है मोबाइल पोस्टपेड। दोस्तों आपके पास जो है मोबाइल पोस्टपेड है या प्रीपेड है, दोस्तों जो पोस्टपेड मोबाइल होते हैं उनकी पहचान सिर्फ एक होती है कि उनका बिल जो है वो मंथली हमारे पास आता है, या फिर होता है मोबाइल प्रीपेड। तो मोबाइल प्रीपेड पे क्लिक कर दीजिए जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो है आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर लीजिए जहाँ पे जो आपको मोबाइल नंबर के बारे में पूछा गया है। तो मैं जो मेरा मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मैं आपको जो मेरा मोबाइल नंबर है वो आपको शो नहीं करूंगा कि मैं मोबाइल नंबर जो है वो कौन सा भर रहा हूँ, वो जो है मेरी सिक्योरिटी के लिए प्राइवेसी के लिए मैंने जो है वो लॉक कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन दिया जाएगा आपका जो है ऑपरेटर कौन सा है। तो दोस्तों आप अपना ऑपरेटर जो है वो चूज कर सकते हैं कौन सी जगह का है, वहां पे जो नीचे क्लिक करके उसके बाद अमाउंट भर दीजिए दोस्तों जितने का आपको रिचार्ज करना है। और उसके बाद आपको जो क्लिक करना है वो है प्रोसीड टू रिचार्ज। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको जो है प्रोसीड टू रिचार्ज पे करना है जैसा स्क्रीन आपको बिल्कुल दिखाया जा रहा है। दोस्तों अगर आपके पास है प्रोमो कोड होता है दोस्तों कुछ पैसा बचाने के लिए, हम आपको जो प्रोमो कोड के बारे में जो है जानकारी देते रहेंगे। इस समय जो प्रोमो कोड चल रहा है वो है लूट, तो आप जो लूट प्रोमो कोड है उसका यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10 रुपए का जो कैश बैक है वो आपको मिल जाएगा अगर आप 100 रुपीज का रिचार्ज कर रहे हैं। लूट ऑप्शन भरने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू पे पे जो है वो क्लिक कर दीजिए जैसा कि आपको बिल्कुल स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। प्रोसीड टू प्ले पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको एक ऐसे ऑप्शन पे लेकर के जाया जाएगा जहां से जो है आप पेमेंट जो है वो पूरी कर सकते हैं। अगर आपके पेटीएम वॉलेट में आपने पहले से पैसा जो ऐड किया है तो पैसा वहां से डिडक्ट होगा, अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आप जो है वो डेबिट कार्ड के जरिए जिसे हम एटीएम के नाम से जानते हैं, एटीएम कार्ड के नाम से, और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर जो है वो हम लोग जो है एटीएम कार्ड से जो कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो है हम लोग बाकी चीजें जो है वो यूज कर पाएंगे। तो डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद डेबिट कार्ड के ऊपर जो दिए हुए नंबर होते हैं दोस्तों 16 जो डिजिट दिए होते हैं दोस्तों वो हमें कार्ड नंबर में जो है वो एंटर कर लेने हैं। आप अगर नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो भी आपको ऑप्शन जो है वो दिखाए जा रहे हैं दोस्तों, आप नेट बैंकिंग का यूज करके भी जो है वो रिचार्ज अपना कर सकते हैं। तो अभी जो है हम डेबिट कार्ड के जरिए जो है इसका यूज करेंगे, डेबिट कार्ड क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद जो है कार्ड नंबर में जो बॉक्स है कार्ड नंबर के बिल्कुल नीचे उसके अंदर जो है हमारा कार्ड नंबर जो है एंटर कर लेना है। कार्ड के ऊपर ही दोस्तों आपको वैलिड थ्रू या फिर वैलिड टिल या फिर वैलिडिटी के नाम से कोई ऑप्शन होगा दोस्तों जहाँ पे आपको मंथ और ईयर के बारे में जानकारी दी होगी। तो सबसे पहले एंटर कर लेते हैं हम लोग कार्ड का नंबर। दोस्तों जो कार्ड का नंबर है वो मेरी प्राइवेसी है, उस वजह से मैं आपको शायद जो है वो वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा, आपको अपने कार्ड का नंबर जो है वो यूज करना होगा। तो दोस्तों कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद आपको भरना है वो मंथ जो आपको जो है दिया होगा, जैसे कि मैं भर लेता हूँ 01 जो है जनवरी और उसके बाद है 2018। सीवीवी कोड दोस्तों काफी बार दिक्कत आती है हमें, सीवीवी कोड जो है वो कार्ड को जैसे ही हम घुमा करके देखेंगे उसके पीछे एक व्हाइट पट्टी जो है आपको मिलेगी, उस पट्टी के अंदर एक 4 डिजिट की जो है वो डिजिट लिखे होते हैं, उसके बाद 3 डिजिट होते हैं। दोस्तों 3 डिजिट है लास्ट वाले वो जो है हमें एंटर करने हैं और
उसके बाद पे नाउ पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट, अगर आप अपने कार्ड को यूज कर रहे हैं तो आप उसको टिक कर लीजिए, आगे आने वाले जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके बार बार आपको जो है कार्ड की डिटेल नहीं पूछी जाएगी, तो पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे जो है, जो एटीएम कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है दोस्तों, उसके साथ जो है आपको एक ओटीपी जो आ जाएगी, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे अगले ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है, तो आप अपना जो ओटीपी है वो इसके अंदर एंटर जो है वो कर दीजिए। और ओटीपी एंटर करने के बाद जो है आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के बाद आपको वो मैसेज मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या आपका रिचार्ज जो है वो हो गया है या नहीं। तो दोस्तों ऐसे में रिचार्ज करते हुए कई बार ऐसा होता है कि हमारा एटीएम कार्ड जो है वो डिक्लेन होता है, जैसे कि प्रोसेसिंग चल रही है दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स बाद जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारे पास रिचार्ज का मैसेज जो है वो आ जाएगा और उसी तरह हमारा रिचार्ज जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे थे कि अगर आपका जो है वो रिचार्ज करने में दिक्कत आती है, या फिर आपको लिखा जाता है कि योर डेबिट कार्ड हैज बीन डिक्लेन्ड बाय द बैंक, यानी कि आपकी जो ट्रांजेक्शंस हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है बैंक के द्वारा, तो आप हमारे आई बटन में और हमारी वीडियोस को ढूंढ करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमने अभी तक स्टेट बैंक के जो एटीएम कार्ड्स हैं उनके बारे में जानकारी दी है कि अगर आपका बैंक से एटीएम कार्ड डिक्लेन्ड मैसेज आए तो आप जो है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हमने दी है। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो भी है जो अपने रिचार्जेस की सुविधाएं जो है वो ले सके। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और सीखते रहिए कैसे करें।